हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। ये देखिए, हमारे पास ये एलईडी सीरीज लैंप वाली ये जो माला है, ये रिपेयर के लिए आई है। हमने तो इसे बोल दिया था कि ये रिपेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें काम बहुत होता है। अगर बहुत सारे वायरिंग अगर निकले हुए होते हैं तो टाइम बहुत जाता है इसमें। लेकिन जैसे मैंने चेक किया तो इसका जो ये सर्किट है, ये देखिए ऐसे जल चुका है। और ये जो कैपेसिटर होता है 105J 250 वोल्ट का है। ये कैपेसिटर अगर जला है तो कहीं पे शॉर्ट होगा, या तो फिर ये कैपेसिटर ही सह नहीं पाया होगा, वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया होगा। कोई भी चीज हो सकती है। इसे चेक करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये ओके है, तो हम आगे का काम करेंगे। जल के ये देखिए, ये वायर भी इसका निकल चुका है, जो कि एक वायर यहाँ पे लगा हुआ था और दूसरा वाला जो वायर होता है वो यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये वायर भी जल चुका है। बस हमें अभी ये चेक करना है कि ये सीरीज जो माला है ये सही है कि नहीं, ये हमें अभी चेक करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे की टेस्टिंग भी हम कर लेंगे। तो ये देखिए, मल्टीमीटर से हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर जो होता है वो डायोड रेंज पे रखना है। देखिए यहाँ पे डायोड रेंज है, यहाँ पे रखना है और ऑन कर लेना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे, ये वाला डायोड सही है, ये वाला भी सही है। अभी इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका ये वाला जो डायोड है ये फिलहाल तो ओपन हो गया है, इसे ओपन दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसको ही नया बना लेंगे, बाद में चेक करेंगे। तो इसमें साइड में, यहाँ इस साइड में 48 बल्ब है, इस साइड में भी 48 बल्ब है, और उनका जो कॉमन निकल आता है वो ये है, और इनके सेपरेट जो दो पॉइंट है ये सप्लाई के, ये यहाँ पे है। इसे निकाल लेते हैं पहले। दोनों हमने सेपरेट कर ली है, ये तो पूरा गया है। इसका एक कैपेसिटर काम में आएगा ये वाला जो, तो उसे हम निकाल लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 MΩ का रेजिस्टेंस है, तो इसको भी हम मल्टीमीटर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओम्स रेंज में डालना है। ये देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐसे चेक किया जाता है। अगर मल्टीमीटर पे है तो 1 MΩ है नहीं, वो थोड़ा सा कम है, 0.981 MΩ, यानी कि 1 MΩ है, तो ये चल जाएगा। तो हमें कैपेसिटर यूज करना है दूसरा, कोई वैसा वाला कैपेसिटर हम यूज करेंगे और इसे हम चला के देख लेंगे। अगर ये बन जाता है तो फिर हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पास ये डायोड्स है, 1N4007 वाले डायोड। ये हमने 4 डायोड लिए हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। और ये एक कैपेसिटर लिया है हमने, 3.35 माइक्रोफेरेड का है। इसके ऊपर लिखा है 335J 400V, और वो जो कैपेसिटर था इस पे लिखा था 105J 250 वोल्ट, तो ये वोल्टेज भी थोड़ा ज्यादा है इसमें। और इसका जो माइक्रोफेरेड, ये 0.01 का कैपेसिटर है और ये 3.35 का है, तो थोड़ा बड़ा कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, जस्ट टेस्टिंग के लिए। अगर ये कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइटिंग ऑन होता है कि नहीं, हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इसको फाइनल करेंगे। तो पहले ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये इसके जो दो टर्मिनल होते हैं, ये जहाँ पे ये रिंग है व्हाइट वाला रिंग, उसको एक साथ ऐसे ट्विस्ट करना है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, और ये दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये जो रिंग होती है वो नीचे साइड में रखनी है, और ये अपोजिट साइड की यानी कि इसकी एनोड जो है उसको ट्विस्ट करना है। बड़ा ही आसान तरीका है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट ऐसे, बड़ा ही आसान तरीका है। ये दोनों हो गए, अभी यहाँ पे हमें सोल्डर कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसे सोल्डर कर लेना है, ये हो गया इसका सोल्डर, ये हो गया इसका सोल्डर। अभी यहाँ पे बस इतना ही करना है कि ये जो टर्मिनल है वही कनेक्ट करने है हमें, इसको भी यहाँ पे हमें ट्विस्ट करना है, जैसे पहले इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ था बस वैसे ही इसे बनाना है। दूसरा वाला वो जो डायोड थे वो खराब हो गए थे, और एक उसमें से एक डायोड बदलना काफी मुश्किल हो रहा था, इससे अच्छा है कि हम नया ही बना ले, तो काम करने में भी आसानी होगी और जल्दी से भी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बन गया है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसे यूज करना है, तो इसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। इसे कैपेसिटर के अक्रॉस होना है ऐसे, बस इतना ही काम है। यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सोल्डर कर लेते हैं, यानी कि वो लूज ना रहे, लूज रहने की वजह से भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको लूज नहीं छोड़ सकते। ये हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे अभी बन जाएगा, जहाँ पे एनोड और कैथोड कनेक्ट होती है वहाँ पे एसी सप्लाई देना है, इसलिए हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एसी को कनेक्ट कर लेना है ऐसे। ये सिंपल छोटा पावर सप्लाई है,
जिससे कि स्टेप डाउन हो जाता है और जितना चाहे उतना ही वोल्ट हमें मिल जाता है। और उसके बाद ये कैपेसिटर को भी हम यूज करेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर भी ओके है। अगर ये फूटा होता तो हम इसको नहीं यूज करते। मोस्टली कैपेसिटर पावर सप्लाई में फिल्ट्रेशन का काम करता है। अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिव और निगेटिव देख लेनी है। जहाँ पे दो कैथोड आते हैं वहाँ पे पॉजिटिव होता है और जहाँ पे दो एनोड आते हैं यहाँ पे निगेटिव होता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेना है। ये सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर में होता है। ऐसे डायोड को जिस प्रकार आप यूज कर रहे हो, ये देखिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और पावर सप्लाई जो है छोटा सा बन चुका है। हम इसे वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेनी है और दूसरा वाला जो वायर होता है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में एसी वोल्टेज जो होता है वो एनोड कैथोड जहाँ कनेक्ट होती है दोनों डायोड की वहाँ पे देना है। हम इस पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो वायर है ये निगेटिव है, दोनों का कॉमन वायर है, मैंने पहले भी आपको बताया है इसके बारे में। तो ये जो वाला वायर है यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। फिर ये दोनों जो वायर है ये हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इनको एक साथ कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा जो रेक्टिफायर है, वायरिंग है, ये सब पूरा हो चुका है। अब हम सिर्फ यहाँ पे इसको सीरीज बोर्ड, सीरीज लैंप पे चेक करेंगे, जिससे हमें अगर कोई जलता है, कुछ सर्किट जलता है तो जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा और हम इसे जल्दी से रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए आगे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सीरीज लैंप है, तो जस्ट इसे हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये ऑन हो गया है, यानी कि सिर्फ हमारा ये जो सर्किट था, ये प्रॉब्लम था, ये अच्छे से ग्लो हो रहा है। इसका मतलब हम इस लाइटिंग को इस प्रकार हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।